चोरी कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 9 मामले दर्ज। आरोपी सोना बेग पर सीकेपी में 6 मामले, 2 राजनगर, 1 सुंदरगढ़ में भी मामला है दर्ज। चक्रधरपुर थाना ने 6 मार्च को गोलीकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पोड़ाहाट SDPO सुधीर कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले दिनों चक्रधरपुर के असलम चौक में सोना बेग पर सहयोगी राजेश महापात्रा के द्वारा देवगांव निवासी निशार अहमद को मामूली विवाद पर गोली मारकर घायल कर दिया था। वहीं पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे में राजेश महापात्रा को घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। वहीं सोना बेग की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी की जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोना बेग को आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शिव नारायणपुर से सोमवार रात को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सोना बेग के ऊपर चक्रधरपुर थाना में वर्ष 2008 से लेकर 2021 तक कुल 7 मामले दर्ज हैं, जिसमें अधिकतर IPC की धारा 302 व आर्म्स एक्ट के मामले हैं। वहीं राजनगर थाना में 2 मामले और 1 मामला उड़ीसा के सुंदरनगर थाना में दर्ज है। सोना बेग लोगों के बीच संगी के रूप में विख्यात था। उसके आपराधिक इतिहास को देखकर पता चलता है कि छोटी छोटी बातों पर सोना किसी पर भी गोली चलाने से नहीं चूकता था। गोली चलाने सहित अवैध हथियार रखने, चोरी छिपाई पिछले 12 सालों से करते आ रहा है। हालांकि कुछ सालों से सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर गम्हरिया व आदित्यपुर थाना क्षेत्र में सक्रिय था। असलम चौक पर 2 अपराध कर्मियों के द्वारा गोली चलाकर एक निशार अहमद नामक व्यक्ति को घायल कर दिया गया था। इस संदर्भ में चक्रधरपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपराधकर्मी राजेश महापात्रा को गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें जो हथियार इस घटना में प्रयोग किया गया था वो हथियार के साथ वो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुआ था। तथा उसके बाद इस घटना के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी चक्रधरपुर प्रवीण एवं अन्य पदाधिकारी थे। काफ़ी मेहनत से इन लोगों ने एक दूसरे अपराधकर्मी जो कि सोना बेग है और ये करीब 9 कांडों में वंचित था, पूर्व में जेल भी जा चुका था, इसे आदित्यपुर के क्षेत्र से कल रात में गिरफ्तार किया गया है तथा जेल भेजा जा रहा है। Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा। Yeah.